नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज सुबह हम कटरा से चले शिवखोड़ी जाने के लिए। ये टोटल जर्नी 85 किलोमीटर्स की है। इस समय हम 65 किलोमीटर्स की जर्नी कर चुके हैं। ये सीनिक व्यू देखने के लिए हमने अपनी गाड़ी को रोका। वैसे अगर हम चाहते तो कटरा बस स्टैंड से हम बस में भी आ सकते थे। मैंने पता लगाया था मॉर्निंग में 200 रुपये एक आदमी का किराया लगता है। सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 के बीच में 4-5 बस सर्विस चलती हैं, जिसमें 3.5-4 घंटे पहुंचने में लगते हैं। 2-2.5 घंटे वहाँ पे रहिए और आप लौटकर शाम को 7-8 बजे तक कटरा वापस आ जाइए। लेकिन हमने टैक्सीस ले ली क्योंकि हम बीच बीच में आपको पता है ब्रेक्स लेते हैं, व्यू इन्जॉय करते हैं और ये जर्नी करते हैं। इस पूरी जर्नी में काफ़ी सारे सीनिक व्यूज़ भी हैं। बीच में हमने चिनाब नदी का व्यू भी देखा। ये है कि इस एरिया में फोटोग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना सके। 10-15 मिनट और सीनिक व्यू इन्जॉय करते हैं, फिर यहाँ से 20 किलोमीटर आगे शिवखोड़ी को चलते हैं। हम शिवखोड़ी पहुंच चुके हैं। आप पीछे देख रहे हैं श्राइन बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन। हमने यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा के ये पर्ची निकलवा ली है। अपना नाम बताना पड़ता है और वो आपकी फ़ोटो कैमरे से निकाल लेते हैं। यहाँ से लगभग हमें 40 मिनट लगेंगे गुफा तक पहुँचने में। मैंने पता लगा अगर आप घोड़े पर जाना चाहते हैं, खच्चर पर जाना चाहते हैं, तो 365 रुपये लगते हैं जाने का और वापस आने का। 2-2.5 घंटे में आप वापस आ सकते हैं। इस रूट पे आप नोटिस करोगे, मतलब हम भी नोटिस कर रहे हैं, साथ साथ जो नदी चल रही है ना, इसको दूध गंगा शिव गंगा बोलते हैं। इसका सोर्स कहाँ है वो मैं ऊपर जाके पता लगाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए ध्यान से, ये जो रास्ता है जहाँ पर हम पैदल चल रहे हैं, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर यात्रा करते काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और जो चढ़ाई है ना वो ग्रेजुअल है, जिससे कि आप धीरे 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 हाइट पकड़ते हो। कुछ देर पहले हमने अपना मोबाइल फोन और कैमरा यहां पर क्लोक रूम में जमा करवाया और गुफा में जाने के लिए लाइन में लग गए। हमने आज भगवान शिव के प्राचीन गुफा में जाके दर्शन किए। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम गुफा के अंदर गए, हमें इस बात का एहसास हुआ ये गुफा आदि काल से है। कुछ जगह बहुत कम हाइट पे बैठ कर हमने गुफा में आगे बढ़ते गए और कुछ जगह कम से कम 4 या 5 जगह गुफा में ऐसी आई जहाँ पर ऐसा मैं सीधा नहीं निकल सकता था, मुझे इस तरह से टर्न होना पड़ा। सिर्फ इतना सा रास्ता था गुफा में से निकलने का। भगवान शिव और माँ पार्वती के अर्धनारेश्वर रूप में दर्शन करें। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर आरती का समय शाम को 6 से 7 है और सुबह 7 से 8। कहते हैं भस्मा असुर ने भोले बाबा जी की तपस्या की, भोले बाबा जी उस पर प्रसन्न हुए, उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूँ वही भस्म हो जाए। भोले बाबा जी ने उसे वरदान दिया। एक दिन वो भगवान को ही मारने चल पड़ा। उस समय भोले बाबा जी ने त्रिशूल मारा जो इस पहाड़ को लगा, जिससे ये गुफा बनी। भोले बाबा जी अपने परिवार को लेकर गुफा के अंदर विराजमान हो गए। उसके बाद विष्णु भगवान जी ने मोहिनी रूप धारण करके उससे नाच करवाया। नाचते ही नाचते उसने अपना ही हाथ अपने सिर पर रखा, उसी से वो भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। जय भोले, जय भोले। हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे शिवखोरी से कटरा पहुंचते हुए। इस समय रात के 10:15 बजे हैं। आप देखिए कटरा की चहल पहल और सारी दुकानें जो खुली हैं, इसको देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि रात के 10:15 का टाइम है। हम डिनर करना चाहते हैं तो मार्केट में चल के देखते हैं कहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो मार्केट घूमते घूमते मेरे को ये टिक्की की दुकान दिखाई दी, जहाँ से मैंने अपने लिए एक टिक्की ले ली है। वैसे आज अगर मुझे डिनर नहीं करना होता तो मैं गर्म दूध पीता। यहाँ पर साइड में गर्म दूध कढ़ाई में कंटिन्यूसली हो रहा है। मैंने पता लगाया रात को 12 बजे तक यहाँ गर्म दूध मिलता है और टिक्की मिलती है शाम को 5 से 11 बजे तक। सही है, टिक्की क्रिस्प है, खट्टा मीठा टेस्ट है और वैल्यू एडिशन ये है कि ऊपर चने डालने से स्वाद और बेहतर हो गया। लो जी फिनिश करते हैं और नज़दीक में ही डिनर करने चलते हैं।
जहाँ पर हमने टिक्की खाई उसे 10 दुकान छोड़कर गली में रेस्टोरेंट है मनोरंजन, यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने लिए दो चीज़ मंगाई है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है राजमा पनीर के साथ, और साथ में देख रहे हैं आप मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेज का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऑर्डर सर्विसिंग बहुत फास्ट है, आपने ऑर्डर दिया और पाँच मिनट के अंदर ही फूड आपके सामने। राजमा अपने घर में हम काफ़ी खाते हैं, वीक में एक या दो बार तो हो ही जाता है, लेकिन पनीर डाल के कभी ट्राई नहीं किया। मैं आपको बता भी नहीं सकता राजमा कितने स्वाद है। पनीर कॉम्बिनेशन के बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन राजमा अपने आप में इतने स्वाद है कि मैं क्या बताऊं। ये राजमा ही अलग है, ये कोई साधारण राजमा नहीं है, ये राजमा ही अलग है, बड़े टेस्टी है। हमने फूड फिनिश कर लिया है, भैया ने मेरे को राजमा दिखाए हैं जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रहा था। ये है जी वो राजमा, दोबारा बताओ एक बार कि ये कहाँ के राजमा है? ये बदरुआ के राजमा सर। बदरुआ बड़े स्वाद है। कहाँ पर है ये? ये पत्नीटॉप से थोड़ा आगे। जबरदस्त, बढ़िया। जाते समय मैं अपने घर के लिए 2-4 किलो राजमा लेके जाऊंगा। क्या मार्केट में रेट है इसका? ये 180 तक होगा, 170-180 के बीच में होगा। ठीक है जी, ग्रेट। तो अब आपको आज के लिए बाय बाय कर देते हैं, अब आपसे कल सुबह मुलाकात होगी। कल हम पटनी टॉप जा रहे हैं, अभी आपने जिक्र किया। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू। इस समय सुबह के 10:30 बजे हैं, अभी हम निहारिका कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर हमको डबल ऑक्यूपेंसी में रूम मिला, रूम टैरिफ 1450। एक ऑप्शन 850 की भी थी, लेकिन 1450 वाला रूम थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। मैं आपको बताता हूँ, निहारिका कॉम्प्लेक्स के बाहर ही बस स्टैंड है, बस स्टैंड के साथ ही मार्केट है। मार्केट में काफ़ी सारी दुकानें हैं, प्रसाद, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, यहीं पर चलकर हम नाश्ता करते हैं। कटरा मार्केट में हम नाश्ता करने जगन स्वीट्स आए हैं। यहाँ पर पूड़ी, छोले और आलू की सब्जी, साथ में अचार मिल रहा है जो कि मूली का है। नाश्ते में हमारे से वहाँ और भी काफ़ी लोग हैं जहाँ पर यहाँ पर नाश्ता करने आए हुए हैं। वैसे सिटिंग स्पेस ऊपर भी थी, लेकिन मैं नीचे ही आके बैठ गया। पहले ये टेस्ट कर लिया जाए। आमतौर पर या तो आलू की सब्जी होती है या छोले की, लेकिन यहाँ पर दोनों मिक्स। वैसे इसमें ना मसाले और मिर्च दोनों हायर साइड पे है, लेकिन ओवरऑल टेस्टी है। आज के दिन की शुरुआत टेस्टी नाश्ते से हो गई। ये शॉप वैसे सुबह 8 बजे खुलती है, 2 घंटे इस प्रकार का नाश्ता मिलता है, उसके बाद दिन भर स्वीट्स और समोसे। ₹30 में यहाँ पर कीरिंग भैया बना रहे हैं, और नाम हम लिख के दे रहे हैं इस पे, वीजा टू एक्सप्लोर। अरे वाह, वेरी गुड। मेरा दही खाने का मन था, इसके लिए मैं कटरा फाउंटेन से चलते चलते 300 मीटर आगे राम दरबार में आ चुका हूँ। अपने लिए मैंने देख लीजिए दही ले लिया। कल मैंने रात को किसी से पूछा था कि यहाँ अच्छा दही कहाँ मिलेगा, तो मेरे को इस जगह का रेफरेंस मिला। ये कॉम्बिनेशन मेरे को इतना पसंद है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अच्छा दही मिल जाए और बढ़िया काली मिर्च मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। मज़ा आ गया, वेरी टेस्टी। और बेस्ट पार्ट ये है, जो थोड़ी सी चिकनाहट महसूस होती है ना दही खाते समय, उसका बड़ा मज़ा आता है।
कटरा आए हैं तो अपने घर के लिए थोड़ा अखरोट ले लेते हैं। अभी हम यहाँ पे सुभाष ड्राई फ्रूट कटरा मेन मार्केट में आए हैं। भैया अखरोट में कौन कौन सी वैरायटी है इसमें? सर ये 250 रुपये किलो का है और ये है 300। 250 से लेकर 800 रुपये किलो तक हमारे पास क्वालिटी है। इसमें अलग अलग क्वालिटी रहती है। ये जितना ही महंगा होता जाता है उतना ही उसका जो है ये छिलक जो है पतला होता जाता है, नरम होता है। कागजी अखरोट बोलते हैं इसको, बोलते हैं कागजी अखरोट। ये अखरोट है 400 रुपये किलो, ये है 250 रुपये किलो। मैं दोनों को एक एक बार तोड़ के देखूंगा। अरे काफ़ी आसानी से निकल गया ये जल्दी टूट जाता है इसी। ये 800 रुपये किलो वाला अखरोट काफ़ी आसानी से टूट गया। गिरी तो मैं देख रहा हूँ, जितने अखरोट हमने देखे हैं सब में गिरी पूरी निकल रही है। गिरी पूरी निकलेगी लेकिन ये है कि इसमें थोड़ी ज़्यादा निकलेगी। इसकी स्किन जो है स्किन लाइट वेट की है, उसकी स्किन थोड़ी मोटी होती है। मैंने अभी तक 5 अखरोट खा लिए हैं। पांचों के स्वाद में थोड़ा फर्क आता है लेकिन मुझे सबसे जो ज्यादा स्वाद लगा है वो 400 रुपए वाला। 400 वाला और उसका छिलका हार्ड होता है, उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। ये जितना लाइट वेट होता जाता है उतना उसका टेस्ट में इतना मजा नहीं आता है। भाई हमें आप 400 रुपए किलो वाला 1 किलो अखरोट दे दो। और इन्होंने मुझे बताया कि अगर आप केवल गिरी लेना चाहते हो तो इनके पास वैरायटी है 1200 रुपए किलो से लेकर 1600 रुपए किलो तक की। ठीक है, वैसे कायदे से तो इस तरह का अखरोट लेंगे ना तो बेहतर है। गिरी में ऑब्वियसली तोड़ना नहीं पड़ता लेकिन इसमें चीज़ की फ्रेशनेस होती है ना कि छिलका साथ के साथ निकाला और साथ के साथ खाया, वो बेहतर है। भाई साहब ने मेरे को एक चीज़ और बताई कि यात्री आते हैं ना तो 10-10 किलो अखरोट साथ लेके जाते हैं, तो इन्होंने मेरे को टिप ये दी है कि काफ़ी यात्री क्या करते हैं, अखरोट जब उनका पैक हो जाता है तो उस समय 4-5 दाने खुद निकाल के ना खुद से तोड़ के देख लेते हैं, जिससे तसल्ली हो जाए कि ऐसा ना हो कि आप अपने घर पहुंचे और वहां पर अखरोट टूट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो भाई ये हमारे को आप करवा दीजिए 1 किलो। अभी हम कटरा मार्केट से पटनी टॉप जाने के लिए निकल रहे हैं जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। कीरिंग लेने हम यहाँ पर आए, 5-10 मिनट में हमारे 20 कीरिंग तैयार हो जाएंगे। अब आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।